स्कूल में भी कहीं जा नहीं पाई, मैं सिर्फ एग्जाम्स में जाती थी बिकॉज मैं एक चाइल्ड एक्टर थी। वो बहुत रिस्क होता उसमें भी, क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलरेडी एक अभी पाँव फ्रैक्चर लेके बैठा हुआ है। जो हमारे शो में बचता है आई गेस, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाय, मैं हूँ श्रुति बिस्ट, आपकी मिश्री। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल कर रहे हैं, तो मैं बनाने वाली हूँ वो, ये है आई गेस गाना की जिसमें माखन रहते हैं, वो है। और मैं बांसुरी डेकोरेट करने वाली हूँ उनके लिए। मैं मैजिक करूंगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ, मैं कभी इतना इवेंट्स वगैरह या किसी में भी, मैं कॉलेज में ना स्कूल में भी कहीं जा नहीं पाई, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स में जाती थी बिकॉज मैं एक चाइल्ड एक्टर थी। तो इतना सब मैंने कभी किया नहीं है, घर पे बहुत किया है, घर पे भी इतना नहीं किया है, बट हाँ एक टाइम तक किया है। मैंने भी नहीं किया, मम्मी बना देती थी मेरी खुद से। मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, मैंने घर पे भी सब पेंट करके वॉल्स पे चिपकाया है, तो मुझे ड्राइंग पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। घर पे तो हम कुछ नहीं करते वैसे, मतलब मिठाई, मतलब कुछ स्वीट खीर वीर बनती है वो दिन आई गेस मम्मी बना देती है। मैं तो दोस्तों का, मेरे दोस्त लोग की टीम रहती है जो दही हंडी के लिए जो खेलते हैं ना, तो उसमें मेरे दोस्त लोग होते हैं, तो मैं उनको देखने सपोर्ट करने जाती हूँ। वो बहुत रिस्क होता है उसमें भी, क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलरेडी एक अभी पाँव फ्रैक्चर लेके बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चे मस्ती मस्ती में कभी कुछ ज़्यादा चोट लग जाती है, वरना तो सेफ्टी रहती है। तो वैसे मैं को वो सब देखना पसंद है, मैं और कुछ नहीं करती यार। हाँ, मैंने शो में किया है। हाँ, हिटलर दीदी में मैंने किया है। फर्स्ट पूरा सीन तो मैंने हार्नेस में किया था, फिर हार्नेस वाले चले गए थे स्टंट मास्टर्स, बट हमारा एक शॉट बच गया था, तो मुझे बिना हार्नेस पहनाए, बिना मुझे पता चले, किसी ने मुझे बोला भी नहीं, अब मुझे बोला चढ़ जाओ, तो मैं तो चढ़ गई। मैं 5th स्टैंडर्ड में ही थी आई गेस, 10-11 साल की ही थी मैं, तो मैं चढ़ गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ, लकीली मैं सेफ उतर आई। नहीं, मम्मी डर गई, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था ये सब, तो मम्मी डरी हुई थी, मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। मिठाई नहीं बन, मतलब मैं स्वीट नहीं बना पाती, खाना वाना बना लेती हूँ, ये सब नहीं बना पाती मैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कुछ यार, हाँ पहले मैं इसमें डॉट 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 बना रही हूँ, मुझे डॉट्स अच्छे लगते थे, कलरफुल है ना ये थोड़े। मैंने बहुत इजी बना दिया इसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं हिंदी गाने नहीं सुनती, नहीं सुनती, सच में नहीं सुनती हिंदी गाने। मेरे आपको प्लेलिस्ट में हिंदी गाने दिखेंगे ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। बट कोई खाना ख़राब नहीं होता, मुझे वो अच्छा लगता है जो हमारे शो में बचता है आई गेस। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी लाइफ में कृष्णा जी,
कृष्णा जी का तो बहुत है, मुझे कृष्णा जी इसीलिए पसंद है क्योंकि वो इंसानों जैसे ही हैं, वो बहुत नटखट है, उनमें वो बचपना है, वो शरारती है, बट येट समझदार है, उन्हें पता है कहाँ कितना क्या करना चाहिए। और अगर सामने वाला कहते ना आपको अगर नीचा दिखाए तो आप अपने काम से उसे नीचा दिखाओ, वो कान्हा जी मतलब कृष्णा जी वो सब मुझे उनको देख के ऐसा फील होता है, क्योंकि वो फालतू में किसी से लड़ते नहीं हैं, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक वो कुछ नहीं करते, पर जब ज़रूरत पड़े तो वो अपना पूरा पावर दिखा देते तो वो अच्छा है इसमें। यार लेकिन मुझसे मुझे लगा था कि मुझे गाइड करना पड़ेगा, पता है मैं बहुत लो इसी चीज़ में वीडियो देख रही थी मैं मेरे कैमरा पे उसको बोल रही थी तो समझाते मुझसे बोल रही है जिसको नहीं आता कुछ मैं मदर्स डे पे मम्मी के लिए बचपन में बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स बनवाती थी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्ड बनाए जो आज भी मेरी मम्मी के पास है, तो मुझे सब में बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिविटी दिखाना, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरी बहन हाँ छोटी बहन मेरी वो बहुत गंदी है सब में, मैं जितनी अच्छी वो उतनी बेकार है, हाँ सच सही में मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मम्मी पे गई इस इन सब में, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है सब में, मेरी मम्मी पिलो कवर्स पेंट वेंट करती थी, फैब्रिक पेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मम्मी को देख देख के। मम्मी मेरे सामने तो नहीं बनाती थी बट हाँ हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स बचपन में मम्मी ही बनाती थी, तो वो देख देख के बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे तो फिर मुझे भी शायद उन्हीं के वैसे इंटरेस्ट आया सब में, तो मैं भी ये सब करने लग गई। हाँ वो कह सकते हो आप, हाँ जो मैंने नहीं किया छूट गया जो मेरे लाइफ में, वो आपने पूरा करवा दिया कंप्लीट। नहीं इसमें क्या है, इसमें क्या ही करना था, बहुत इजी था नहीं बहुत इजी होता है आई गेस, मेरे लिए तो बहुत इजी है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंट्स कलर सब खेलना उनके साथ, अलग अलग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो सब देखना, और आई थिंक आप वो चीज़ में अच्छे हो जिस चीज़ में मैं नहीं हूँ, देखो आप बातें कर रहे हो इतना अच्छे से, पूछ क्वेश्चंस पूछ लेते हो, मैं नहीं पूछ पाती दोनों ही डिफिकल्ट है, लेकिन आपका ज्यादा डिफिकल्ट मुझे मेरे लिए मुझे डिफिकल्ट लगता है हाँ आपके लिए भी आप लोग कहीं पर भी पूछ लेते हो कुछ भी, आपको भी कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, आपका हमारा फील्ड देखा तो सेम ही ऑलमोस्ट, क्योंकि BMM से बहुत लोग इधर अभी आते हैं मास मीडिया वाले, मैंने खुद ने मास मीडिया किया है। मेरे गोकुल धाम में एक है राधा कृष्ण मंदिर, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो घर के बाजू में भी है, प्लस वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और वहाँ बुज़ुर्ग लोग आते हैं तो मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, जो क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कान्हा जी के फॉलोअर्स थोड़े एजेड लोग ही होते हैं, तो मेरे दादा भी थे, तो मुझे वो सब देखना मेरे फैमिली की याद आती है मेरे को उसे देख के, तो अच्छा लगता है। मैं बचपन में मथुरा गई थी पहली बार, तब मैं काम नहीं करती थी, हाँ मेरा मथुरा का बहुत अलग कलेक्शन है, जब मैं मथुरा गई थी फर्स्ट टाइम जब मैं थी 4 something 4.5 साल की तब गई थी, और तब मैं कुछ काम वाम नहीं करती थी ना, फिल्म इंडस्ट्री में थी कुछ, थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत प्रे व्रे किया है कि तो भगवान ने सुन ली वो टाइम कान्हा जी ने, और फिर उसके बाद से मैं इस इंडस्ट्री में आ गई हूँ, तो जब से तब से हूँ
से मैं मिश्री लेके रही इसमें। आप मत तो नहीं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ही, आप नहीं ले सकते। मेरी बांसुरी तो रेडी है, बहुत नॉर्मल है। मेरी बांसुरी रेडी हो चुकी है, बहुत ही नॉर्मल बनाई है मैंने, सिंपल। आई गेस खाना जी को भी सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती होंगी, ना ज़्यादा काम छाम ना कुछ, जो है आप दिल से बना दो उनके लिए, उनको अच्छा लगता होगा। तो मैंने ये बनाया है और मैंने उनको याद दिलाने के लिए मिश्री भी लिखा है तो मिश्री प्यार तो ताकि उन्हें मेरा मैसेज डायरेक्ट पहुँचे मेरी तरफ से उनके लिए। और मैं ये तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ना ये सपोर्ट नहीं करती थोड़ा, मतलब हमारे शो में भी यूज़ होता है। मैं सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, तो मैं ये थोड़ा सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली प्यार से तो निकालते नहीं है वो, जो खुद गिरते हैं वो एक अलग होता है। जो आई गेस मथुरा में मिलते हुए, अब तो बिजनेस हो गया, खैर तो मैं नहीं करती ये सब, तो मैं वो नहीं लगाऊंगी। और प्लस हमारे हिंद मतलब ऐसे हिंदू में कहते हैं, मेरी मम्मी कहती थी कि यहाँ कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण भगवान की आँख होती है। तो मैं बचपन में जब वो मेरे बुक में रहता था, मेरे बुक में भी रहता था, हाँ तो बुक में जब ये रहता था तो मैं उसमें जब वो ऐसे दरार आती थी ना तो मैं डर जाती थी कि मम्मी भगवान की आँखें पड़ गई है बट फिर बाद में पता चला ऐसा। नहीं ये तो नहीं है, कभी इतने टाइम बुक ही नहीं खोली कभी तो ये तो बन गई है मेरी, ये भी मेरा तो ये भी बन गया है, सब बन गया है मेरा ऑलमोस्ट। चलो बांसुरी, हाँ ये कर सकते हैं। लगा लूंगी, चलो लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। क्या ही जरूरत है, करेंगे। हाँ